कैसे हैं आप? बच्चे क्यों नहीं मानते कहना? पेरेंट्स की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे को चाहे जितना कहें, बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं और जिद्दी और चिड़चिड़े हो गए हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं हूँ सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर। इस समस्या के हल के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस समस्या के लिए फ्रेंड्स, दो तरह के से हमें काम करना पड़ता है, दो लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। एक है ज्योतिषीय उपाय और दूसरा है बिहेवियर स्टडी, बिहेवियर और वातावरण। वातावरण घर का हो चाहे हमारे आस पड़ोस का हो, सभी पूरे के पूरे वातावरण का हमारे बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही इफेक्ट पड़ता है कि जो उसकी उस टाइम प्लेनेटरी कंडीशन है, यानी कि उसकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो इस समय किस स्थिति में है या जन्म के समय किस स्थिति में थे। अगर डिटेल में चाहिए कि भाई कोई भाई मतलब कुंडली का अध्ययन डिटेल में चाहिए, फिर तो आप पर्सनली मिल सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं या कुंडली को दिखा सकते हैं बच्चे की पहले से कुंडली हो। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य उपाय हैं जो बच्चों के बहुत काम के होते हैं, मतलब जिन उपायों का आप करके उनके एजुकेशन में और उनके बिहेवियर में बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज है पेरेंट्स डिसिप्लिन। जब बच्चा थोड़ा बड़ा यानी कि 6-7 साल का हो जाता है तो ज्यादा लाड़ प्यार करके उसे थोड़ा सा सख्त हो जाए उसके प्रति, क्योंकि और बच्चे को क्लियरली समझाना शुरू कर दें कि भाई आपको ऐसे रहना है और आपको ऐसे नहीं रहना। पर ध्यान रहे कि बात बात पर टोका टाकी ना करें, उसे जो भी बात समझानी है वो आराम से प्यार से बैठाकर सही और गलत के बारे में समझाए। दूसरा है जो हमारे अपने परिवार के रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ है, उनका भी सम्मान हमें खुद भी करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी उसका महत्व जरूर समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जितना भी धर्म से जुड़े रहेंगे, चाहे वो हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, बच्चे जितना भी अपने धर्म से जुड़े रहेंगे उतना ही बच्चों के अंदर बुरी आदतें कम से कम आएंगी, ठीक है। और उसके बाद है भाई, जैसे मतलब हम हैं बड़े हैं तो हम बड़े खुद ही लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, तो उसका भी बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। वो भी ऐसे ही लड़ने वाले बन जाते हैं या फिर बड़ों के सामने बोलने वाले बन जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में सारा दिन बिना बात के कलह ना रहे। वैसे भी कलह का नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है घर के ऊपर। और अगर ये है कि भाई हमें और बड़ों के साथ तो बिल्कुल भी ना लड़े, जैसे हमारे घर में बड़े हैं या हमारे आसपास के बुजुर्ग हैं उनके साथ लड़ाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो है इन सारी बातों का बहुत असर पड़ता है। हम सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बचपन की मेमोरी जो है वो बड़े होने से भी ज्यादा कहीं स्ट्रोंग होती है ना। और लेकिन अगर किसी बात पे हमें यह है कि भाई हमें घर में कुछ डिस्कस करना जरूरी है या किसी बात पे बहस होगी वो जरूरी है, तो फिर उस टाइम करें जिस टाइम हमारे बच्चे हमारे पास ना हो। उसके बाद है भाई उन्हें टाइम देना। देखो पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो लगातार बढ़ ही रहा है, ये सबको पता है कि भी पहले बहुत कम सब्जेक्ट होते थे और अब सब्जेक्ट्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे बच्चों के ऊपर भी लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे हमारे बड़ों के ऊपर बढ़ रहा है, समाज की जो ढांचा है वो चेंज हो रहा है, उसी तरह बच्चों के ऊपर भी लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो उसे इग्नोर ना करें, बच्चे को अपने पास बैठाए, उसे समझाएं। अगर उसे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद है ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिषीय उपाय में देखो, ये उपाय तभी काम करेंगे जब हमारा अपना वातावरण या हमारी बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक होगी। मतलब ये मैंने पहले बताया पहले वीडियो में कि उपाय का काम है कि जैसे मान लिया गड्ढे वाली सड़क है, तो आप जो है सड़क पर चलते हुए उन गड्ढों का ध्यान रखें और उनसे बचकर चले। तो इसमें है सबसे पहले कि बच्चों को रोज जब आप दूध पिलाते हैं तो थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और चीनी अलग से, जैसे चरणामृत होता है ना वो, और उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर थोड़ा सा रोज पिलाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे का चंद्रमा मजबूत होगा और जो छोटा बच्चा 10 साल तक का बच्चा, उसका जो मतलब कुंडली है वो टोटली चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। तो जब उसका चंद्रमा थोड़ा स्ट्रोंग होगा तो बच्चे का मन भी स्ट्रोंग होगा। दूसरा
जैसे पहले पहनाते थे, पर पुराने टाइम में जो है जब बच्चे छोटे होते थे तो उन्हें चांद फूल पहनाते थे, मोती पहनाते थे, तो वो एक जरूरी चीज है। यानी कि बच्चे को कम से कम 8-10 साल तक जो है मोती चांद जरूर पहनाना चाहिए, इससे उसके वो ठीक रहते हैं, चंद्रमा अच्छे रहते हैं। उसके बाद है बच्चों का जो कमरा है उसके नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में तोतों की तस्वीर लगाए, तस्वीर हो तोतों की, मूर्ति हो, तो उससे क्या है जैसे भाई तोते होते हैं ना हर बात को जल्दी सीख लेते हैं, रटने लगते हैं, ऐसे ही हमारा बच्चा भी हर बात को जल्दी कैच करेगा। फिर है कि बच्चों के कमरे में मोर पंख रखें, मोर पंख रखें। मोर पंख जो होता है उसकी उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। कृष्ण जी की माँ भी उन्हें मोर पंख उड़ा पहनाती थी ना, सिर में उनका मुकुट बनाती थी, तो इसलिए घर में जो है बच्चों के कमरे में मोर का पंख होने जरूरी होते हैं। उसके बाद है बच्चों को डेली नहलाएं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि नहाने से जो है जो बाहर की इधर उधर की नेगेटिव एनर्जी है वो भी उतरती है। नहाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमारा शरीर साफ होता है, बल्कि नहाने से जो है जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। और जैसे गर्मी का मौसम है मान लिया, तो गर्मी के मौसम में तो जब बच्चे पढ़ने बैठेंगे तो उसी टाइम आप उन्हें पहले कहो कि भाई पहले शाम के टाइम भी बच्चे इजीली नहा सकते हैं पढ़ने के लिए बैठने से पहले। उसके बाद है आप ये ध्यान रखिए कि जब हमारे बच्चे सोते हैं तो उनका सिर वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। उससे क्या है कि उनके जो मैग्नेटिक है ना, मतलब धरती के जो पोल होते हैं, धरती में मैग्नेटिक तो है ही, धरती अंदर से मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, तो उसका फिर उसके ऊपर उसके कम्बिनेशन में रहता है वो, मतलब जो उसके ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है कि हमें बच्चों के कमरे में महापुरुषों के और भगवान की फोटो जरूर लगानी चाहिए। देखो जैसा देखेंगे वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, ये सबको पता है कि जैसा हमारे बच्चे देखते हैं वैसा ही उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर महापुरुषों की फोटो होगी घर में तो बच्चा इंस्पायर तो होगा ही, या भगवान जी की फोटो होगी तो बच्चा इंस्पायर तो होगा ही कि हमें जो है अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। उसके बाद है कि जो उपाय है, अगर बच्चा आपका ज्यादा जिद्दी है तो उसका उपाय है कि 5 मंगलवार लगातार लाल फूल लेकर बच्चों के साथ मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बच्चों से लाल फूल जो है वो हनुमान जी को अर्पित करवाएं, साथ ही साथ दिया जलाएं और हनुमान जी से बच्चे के लिए आप प्रार्थना करें कि भाई इसकी जो बुद्धि है वो ठीक रहे, तो उससे बच्चे के चिड़चिड़ेपन में बहुत अधिक असर पड़ेगा अगर आपका बच्चा डेली मतलब हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएगा। अच्छा, उसके जो हनुमान जी का बाएं पैर होता है उसके पैर उनके पैरों के जो सिंदूर होता है उसका बच्चे को तिलक लगाए। और एक है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन छोटेपन में जो इफेक्ट बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है वो होता है चंद्रमा, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वह बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट होता है बुध का, मरकरी का, तो उसके लिए जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो गणेश जी की पूजा और गणेश जी को दूबड़ा रोज चढ़ाना जरूरी है। अगर बच्चे रोज दूबड़ा चढ़ाते हैं, दूब जिसे दूब घास कहते हैं वो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो उसका भी बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इन उपायों को अजमा कर देखें, आपको 100% इफेक्ट अपने बच्चों के ऊपर 1-2 महीने में ही आपको असर दिखाई देने लगेगा।